आईपीएल 2024 के प्लेऑफ में इन तीन टीमों की जगह पक्की, कोई दूसरी टीमें चाहकर भी इन तीन टीमों को नहीं कर सकती है बाहर। तो एक पद के लिए ये दो टीमें हैं दावेदार, बाकी पांच टीमें प्लेऑफ की रेस से हो चुकी है बाहर। और ये हम नहीं बल्कि आईपीएल 2024 के पॉइंट्स टेबल के समीकरण कह रहे हैं। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं आईपीएल अपने अंतिम सीजन की ओर बढ़ चुका है, जहां प्रत्येक टीम अपने अंतिम मुकाबले खेलने को है। प्लेऑफ को लेकर भी काफी ज्यादा घमासान शुरू हो चुका है। कुछ टीमें जो जीतती है तो दूसरों के लिए बुरी खबर लेकर आती है, लेकिन इसी बीच हम आपको बताएंगे वो चार टीमें जो प्लेऑफ में जगह बनाने को है। उसमें तीन टीमें तो पक्की है, एक टीम के लिए, एक पोजीशन के लिए दो टीमें दावेदार है। चलिए उन सबके समीकरण बताएंगे अब वो कैसे प्लेऑफ में जा चुके हैं, उनके समीकरण क्या कहते हैं, बाकी कौन सी वो चार टीमें हैं जो प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए सबसे आगे हैं, और इनफैक्ट मात्र औपचारिकता बाकी है, बाकी यही आपको चार टीमें प्लेऑफ में नजर आने वाली है। तो चलिए जानते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम जानना चाहते हैं आप आईपीएल की सबसे पसंदीदा टीम, जैसे आप फाइनल में देखना चाहते हैं उस टीम का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके सपोर्ट दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाएं। तो प्लेऑफ की दावेदार उन पांच टीमों के बारे में बात करते हैं। इस लिस्ट में सबसे पहले पायदान पर नाम राजस्थान रॉयल का आता है। अब जैसा कि आप पॉइंट टेबल में देख भी पा रहे हैं, राजस्थान रॉयल ने अब तक 10 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से 8 मुकाबले आप जीत चुके हैं, और जी हां 2 मुकाबलों में आपको हार का सामना करना पड़ा है। 16 पॉइंट इनके पास में है और फिलहाल पॉइंट टेबल में ये सबसे ऊपर भी नजर आते हैं। अच्छा, प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए किसी भी टीम को कम से कम 16 पॉइंट्स की जरूरत तो रहती है, और आईपीएल में जब भी ये 10 टीमें खेली है ना, 16 पॉइंट्स के साथ में कोई टीम बाहर होती नहीं है। इसीलिए आप ये कह सकते हैं कि राजस्थान रॉयल जो है वो 16 पॉइंट चूंकि हासिल कर चुके हैं, तो वो तो क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन जाती है। ऑफिशियल ऐलान होना बाकी है, बाकी इस टीम को कोई भी चाहकर भी बाहर नहीं कर सकता है। अब चूंकि इन्हें 4 मुकाबले और भी खेलने हैं, वो जीते हारे इन्हें ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन हाँ, अगर आप नंबर 1 या नंबर 2 पर खत्म करना चाहते हैं तो 4 में से कम 2 मुकाबले तो जीतना ही चाहेंगे, उससे आपको एलिमिनेटर में 2 चांसेस मिल जाते हैं, जिससे आपके फाइनल में जाने के चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो उस लिहाज से खैर राजस्थान प्लेऑफ में जगह बना चुकी है। हमारी इस लिस्ट में वो दूसरी टीम है कोलकाता नाइट राइडर। कोलकाता नाइट राइडर ने इस साल बहुत ही शानदार खेल दिखाया है, और अब तक जब तक जितने मैच हुए उसमें से 10 मुकाबले वो खेले हैं, जिसमें से 7 मुकाबले वो जीत चुके हैं और कम से कम 14 पॉइंट हासिल कर चुके हैं। उस लिहाज से कि 16 पॉइंट आपको हासिल करने हैं, और कोलकाता नाइट राइडर को अब भी 4 मुकाबले खेलने हैं, और केवल 1 मुकाबला भी जीत गए ना तो ये प्लेऑफ में जगह बना लेंगे। तो आप कोलकाता नाइट राइडर की टीम को देखकर तो यही कहेंगे, जिस तरह का इन्होंने खेल दिखाया है, मुंबई को भी हराया, बड़ी बड़ी टीमों को चारों खाने चित किया है, बैटिंग अच्छी, बॉलिंग अच्छी, डिफेंड करना जान चुके हैं, कप्तानी अच्छी, मेंटोरशिप अच्छी, सभी लिहाज से देखोगे तो फिर कोलकाता नाइट राइडर 4 में से 1 मात्र औपचारिकता है कोलकाता के लिए। बाकी ये टीम भी उस रेस में है कि ये पहले पायदान पर या दूसरे पायदान पर खत्म करना चाहती है। अब आप ये तो नहीं कहेंगे ना कि 4 में से 1 कोलकाता नहीं जीत सकती, ये पॉसिबिलिटीज में नहीं आता, इसीलिए कोलकाता नाइट राइडर उस प्लेऑफ में जगह बनाने वाली दूसरी टीम बन जाती है। हमारी इस लिस्ट में तीसरी वो टीम है सनराइजर हैदराबाद। देखिए, हैदराबाद ने कमाल का खेल दिखाया इस सीजन, रिकॉर्ड तोड़ हैदराबाद रही है। अभी तक ये 10 मुकाबले खेले हैं और जिसमें से 6 मुकाबले जीते हैं, और 12 पॉइंट के साथ में ये टीम पॉइंट्स टेबल में काफी अच्छी पोजीशन बना रखी है। अच्छा, प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए इन्हें 4 मुकाबले अब भी खेलने हैं और 2 मुकाबले हर हालात में जीतने होंगे। हैदराबाद के लिए 4 में से 2 जीतना वैसे कोई बड़ी बात होगी नहीं, लेकिन फिर भी इनके स्केड्यूल पर भी नजर डालते हैं ताकि पता तो चले कि किन टीमों से इनका सामना होने वाला है। 1 मुकाबला एमआई से है, दूसरा एलएसजी से है, तीसरा जीटी से है और चौथा पंजाब किंग्स से है। तो जीटी और पंजाब पर तो हैदराबाद का पलड़ा भारी है, और दूसरे में देखें तो एलएसजी और एमआई पर भी भारी हैदराबाद ही नजर आती है। तो 4 में से 2 जीतना हैदराबाद के लिए कोई बड़ी बात होगी नहीं, और अगर ऐसा जीत जाते हैं तो 16 पॉइंट के साथ में क्वालिफाई करेंगे। तो उस लिहाज से भी सनराइजर हैदराबाद भी प्लेऑफ में जगह बनाने की रेस में काफी आगे आ चुके हैं। अब एक पोजीशन है और 2 टीमें हैं, चलिए उन पर भी नजर डाल देते हैं। अब इसमें देखिए लखनऊ सुपर जायंट्स का नाम भी आएगा। इन्होंने भी तो 10 मुकाबले खेले हैं, उसमें से 6 मुकाबले जीते हैं, 12 पॉइंट इनके पास में भी है, और प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए 4 पॉइंट इनको भी जरूरत है, मुकाबले भी इनको 4 खेलने हैं, तो यानी 2 मुकाबले 4 में से जीत गए तो ये प्लेऑफ में जगह बनाएंगे।
चार में से दो एलएसजी के लिए कोई बड़ी बात होगी नहीं, लेकिन इंटरेस्टिंग तब होगा जब एलएसजी का सामना हैदराबाद से होगा, क्योंकि दोनों के लिए समान समीकरण है और दोनों में से एक की जीत एक की फायदा तो दूसरे का नुकसान भी कराएगी। एलएसजी के लिए रास्ता मैं थोड़ा इसीलिए भी मुश्किल मानता हूं क्योंकि न केवल सनराइजर हैदराबाद बल्कि कोलकाता नाइट राइडर्स से भी उनका मुकाबला बाकी है। एक मुकाबला उनका दिल्ली कैपिटल से भी है और एक मुकाबला मुंबई इंडियंस से भी। अब चूंकि मुंबई बाहर हो चुके हैं तो वो बेखौफ है, अब वो आपको बहुत खतरनाक टीम नजर आएगी। तो एलएसजी के चारों मुकाबले बड़ी टीमों से है, फिर चार में से दो जीतना आप 100% श्योर तो नहीं हो सकते हैं हैदराबाद की तरह, क्योंकि हैदराबाद की तो हल्की टीमों से सामना है। अच्छा, यहां पर लखनऊ सुपर जायंट चार में से दो जीतेंगे नहीं ये देखने वाली बात होगी, लेकिन एक और टीम है जिस रेस में ऑन है और वो है चेन्नई सुपर किंग्स। चेन्नई सुपर किंग्स फिलहाल 10 मुकाबले खेल चुके हैं, 5 जीते 5 हारे, 10 पॉइंट के साथ में पॉइंट्स टेबल में टॉपर टीमों में से एक बनी हुई है। अच्छा, इस टीम को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए 16 पॉइंट हासिल करने के लिए 3 मुकाबले और जीतने हैं, खेलने मुकाबले इनको भी 4 है। अब 4 में से 3 जीतना वैसे तो किसी टीम के लिए आसान होता नहीं, अगर उस रेस में देखोगे तो लखनऊ सुपर जायंट्स काफी ऊपर नजर आएगी आपको चेन्नई से भी। चेन्नई के जो मुकाबले हैं उसमें पंजाब है, गुजरात है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु है और राजस्थान रॉयल है। तो राजस्थान रॉयल एकमात्र खतरनाक टीम नजर आती है, बाकी आरसीबी पर चेन्नई भारी रहेगी, पंजाब पर भी और गुजरात पर भी। तो उस लिहाज से आप ये कह सकते हैं कि चेन्नई सुपर किंग्स भी अभी देखें तो उस रेस में ऑन है और प्लेऑफ में जगह बना सकती है। तो ये 5 ही टीमें हैं जिसमें 3 टीमों की जगह तो हमने पहले ही कहा पक्की है, हैदराबाद, केकेआर और राजस्थान। एक टीम में लखनऊ या चेन्नई, इस पर देखने वाली बात होगी। तो ये 5 ही टीमें हैं प्लेऑफ की रेस में ऑन, बाकी हो चुकी है बाहर। खैर, आपकी क्या राय है इस पॉइंट्स टेबल के हालात के बारे में, कौन सी वो 4 टीमें जो बनाएगी प्लेऑफ में जगह?